हे गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है एक्चुअली, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो शूट किया जाए। थोड़ा सा टाइम था, अभी अभी एक 5 मिनट चैलेंज वाला मेकअप लुक किया है और ये देखो ये उसका रिजल्ट है। 5 मिनट के अंदर मैं ये लुक क्रिएट किया मैंने। बहुत डिफ़िकल्ट होता है 5 मिनट में, लाइक मैं उसमें आईब्रोज नहीं भर पाई और कुछ भी नहीं, कॉन्टोरिंग वॉन्टोरिंग कुछ भी नहीं, सिर्फ फ्लैट फ्लैट मेकअप किया है। तो ओके, वो तो ठीक है, वो तो उस वाले वीडियो का हो गया। तो आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है? आज की वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरा मेकअप कलेक्शन। तो गाइज, मैं मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है इसकी, मतलब मुझे हर दो तीन दूसरा चौथा इंसान मुझे यही कमेंट किया जा रहा था। तो आई वॉज़ लाइक कि यार मेरे पास तो मेकअप है ही नहीं, तो मैं क्या, मतलब मैं क्या क्या दिखाऊँ? उतना नहीं है यार जितना बाकी यूट्यूबर्स के पास है। बस उनके पास में बहुत ज़्यादा मेकअप है, मेरे पास में तो उसका 10% भी नहीं है, है ना। तो मैं क्या, मैंने सोचा कि क्या दिखाऊँ। एक बार मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी अपने पूरे मेकअप, पूरा भी नहीं था, तब तो कुछ भी नहीं था, तो कुछ सामान ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, तो तब मैंने थोड़ा सा एक वीडियो शूट कर लिया था कि ये मैं ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ करके। बट अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ये रिक्वेस्ट आ रही है कि प्लीज़ मतलब मेकअप कलेक्शन शो करो। अब मैं कैसे शो करूँ यार, मेरे पास में उतना है ही नहीं। तो फिर वहाँ पर अगर नहीं भी है तो भी, और है भी तो भी, अगर है तो लोग बोले होते कि शो ऑफ कर रही है, और नहीं है तो बोले होते कि तुम्हारे पास तो सामान ही नहीं है इतना सा सामान। तो मैंने वही सोचा, बट फिर मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत ज़्यादा ही, तो मैंने सोचा चलो ओके ओके कर लेते हैं, जितना है उतना ही करते हैं। और वीडियो अच्छी लगेंगी आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक कर देना। ओके, तो स्टार्ट करें फिर। मैं दिखा देती हूँ कि मैं कैसे रखी हूँ। मेरा भी अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब इतना कम चीज़ें दिखाते हुए, बट जितना है वो है, जो है वो है, तो मैं दिखा रही हूँ। सो जिनकी भी ये रिक्वेस्ट थी, ये हैशटैग अंडर, ये हैशटैग इच्छा पूरी के अंडर में जाएगा ये वीडियो, तो देख लेना आप लोग, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो चलो बढ़ते हैं आगे, यार बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं आपको, मैं बैक कैमरा ऑन कर देती हूँ। सो लास्ट टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने पूरा अपना सामान ऑर्गेनाइज़ किया था, जितना भी मेरा मेकअप का था। यहाँ पे ऐसे दो दो रैक है, तो यहाँ पे मैंने अपना सामान किया था ऑर्गेनाइज़। तो अभी मैंने यहाँ से उठा लिया है, क्योंकि ये एकदम फ्रंट पे हो जाता था, तो मेरा सामान कोई भी आया तो, मतलब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसको थोड़ी अच्छी जगह पे, सेफ़ जगह पे रखना चाहिए, आप लोग समझ सकते हैं। तो मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है, मैं दिखाती हूँ किधर। तो आप देख सकते हैं ये जो है, ये मशीन है, जो सिलाई मशीन होती है वो है, और इसके ऊपर मैं एक ऐसी पेटी सी रखी हुई है ड्रॉअर टाइप का, तो उसमें मेरा सामान रखा है मैंने अभी फ़िलहाल। और मैं सोच रही हूँ कि इसी में सामान रखूँ, तो ये जो है ये मुझे पार्सल आया था, तो ये कहाँ से आया था, स्नैपडील से। तो इसके अंदर में मेरे है रोलर्स, तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक एक करके, बाद में दिखाती हूँ, वो सब बाद में दिखाती हूँ। एंड यहाँ पे मैंने रखे हैं अपने ब्रशेस, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, आप देख सकते कितने ख़राब है। और इसको मैंने रखे हैं ये मग में, लाइक इसमें मैं पहले कुछ बॉर्नविटा वगैरह ऐसे पीती थी, दूध वगैरह, तो उसमें मैंने रखे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसमें हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे भर ही देती हूँ। तो और इसमें मेरी कुछ पेंसिल्स है, ये जैसे लॉरियल की हो गई, और अपना काजल पेंसिल वगैरह भी सब इसमें ही रखती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास में है ये, और ये जो है ये है हेयर सीरम, ये कि हर्ब्स एंड मोका है, तो इसको देखो आप कितनी सारी भरी हुई है, इसको यूज़ भी नहीं किया है मैंने ज़्यादा, तो ये हो गया। नेक्स्ट मेरे पास में है ये जो ब्रशेज़ है ना, मैंने यहाँ इसलिए रखे हैं, ये मैंने अभी के लिए यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि ना ये पेटी बंद नहीं होती है, तो इसकी वजह से मैंने इसको यहाँ रखे है, ये बंद नहीं होती है, देखो आप देखो, तो मेरे ब्रश ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको अलग से रखती हूँ। मैं चार ब्रशेज़ को आई मेकअप के, मेरे पास में चार ही ब्रश है आई मेकअप के। नेक्स्ट मेरे पास में है ये सिवाना का हाइलाइटर, जो आपने मेरे सारे वीडियो में यूज़ करते हुए देखा होगा। उसके बाद में मेरे पास में है ये कंसीलर पैलेट, और आपने इसको भी ऑलरेडी मेरे एक दो वीडियो में, SFR का है ये, और इसको ऑलरेडी आपने मेरे एक दो वीडियो में भी देखा होगा। उसके बाद में मेरे पास में है, ओह माय गॉड, मैं थक गई, ये है HR, ओके, हिलारिया हुडा का कवर डिफेक्ट क्रीम, और इसको भी मैं आपको शो कर देती हूँ, तो आप देखो ये इस टाइप की है, एंड बहुत ही अच्छी कंसीलिंग कर देता है आपके पूरे फेस को, मतलब बहुत ही अच्छा काम करता है ये। नेक्स्ट मेरे पास इसमें है ये मूनचाइल्ड हाइलाइटर ग्लो किट SFR की, एंड जैसे मैंने बताया था आपको कि थोड़ा सा टूट गया था, मेरे हाथ से गिर गया था, तो ये बहुत ही शिमर काइंड ऑफ है, एंड
आप देखो इसका हाईलाइट है, इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी है। चलो इसका तो बाद में सबका रिव्यू वगैरह तो होते रहेगा, तो इसको मैं अच्छे से रख देती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास में है ये जो टूट गया है यार, ओके ये टूट गया है, और ये है MN नाउ का, NYN का है सॉरी, और ये है, एंड इसमें आपको 2 3 in 1 मिल जाएगा। मैं बाद में दिखा दूँगी, इतना सब अभी दिखा दूँगी तो मुझसे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं मेरे हाथ में एक हाथ में कैमरा भी है, आई मीन मेरा मोबाइल फ़ोन है, और ये सब कुछ एक साथ मुझसे नहीं हो पाता है, तो ये हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं इधर में, तो इधर में आपको ये मिलेगा वेट एंड वाइल्ड का ये छोटी सी डिब्बी, डिब्बी मतलब क्या है, शेडो जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया है। उसके बाद में ये ADS का है, क्या ये ADS का नहीं है सॉरी, क्या ये शिमर पाउडर, ये बहुत पहले चलते थे तो ये मैंने लिया। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये मशीन है, जो सिलाई मशीन होती है वो है, और इसके ऊपर मैं एक ऐसी पेटी सी रखी हुई है ड्रॉअर टाइप का, तो उसमें मेरा सामान रखा है मैंने अभी फ़िलहाल, और मैं सोच रही हूँ कि इसी में इसको रखूँ। तो धीरे ना बे कितने ज़ोर से चिल्लाते बे सामान रखूँ। तो ये जो है ये मुझे पार्सल आया था, तो ये कहाँ से आया था, स्नैपडील से। तो इसके अंदर में मेरे है रोलर्स, तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक एक करके, बाद में दिखाती हूँ वो सब, बाद में दिखाती हूँ। एंड यहाँ पे मैंने रखे हैं अपने ब्रशेस जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, आप देख सकते कितने ख़राब है, और इसको मैंने रखे हैं ये मग में, लाइक इसमें मैं पहले कुछ बॉर्नविटा वगैरह ऐसे पीती थी दूध वगैरह, तो उसमें मैंने रखे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं इसमें हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे भर ही देती हूँ। तो और इसमें मेरी कुछ पेंसिल्स है, ये जैसे लॉरियल की हो गई, और अपना काजल पेंसिल वगैरह भी सब इसमें ही रखती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास में है ये, और ये जो है ये है हेयर सीरम, ये कि हर्ब्स एंड मोका है, तो इसको देखो आप कितनी सारी भरी हुई है, इसको यूज़ भी नहीं किया है मैंने ज़्यादा, तो ये हो गया। नेक्स्ट मेरे पास में है ये जो ब्रशेज है ना, मैंने यहाँ इसलिए रखे हैं, ये मैंने अभी के लिए यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि ना ये पेटी बंद नहीं होती है, तो इसकी वजह से मैंने इसको यहाँ रखे है, ये बंद नहीं होती है, देखो आप देखो तो मेरे ब्रश ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको अलग से रखती हूँ। मैं 4 ब्रशेज को आई मेकअप के, मेरे पास में 4 ही ब्रश है आई मेकअप के। नेक्स्ट मेरे पास में है ये सिवाना का हाइलाइटर, जो आपने मेरे सारे वीडियो में यूज़ करते हुए देखा होगा। उसके बाद में मेरे पास में है ये कंसीलर पैलेट, और आपने इसको भी ऑलरेडी मेरे एक दो वीडियो में, SFR का है ये, और इसको ऑलरेडी आपने मेरे एक दो वीडियो में भी देखा होगा। उसके बाद में मेरे पास में है, ओह माय गॉड मैं थक गई, ये है HR ओके हिलारिया हुडा का कवर डिफेक्ट क्रीम, और इसको भी मैं आपको शो कर देती हूँ, तो आप देखो ये इस टाइप की है, एंड बहुत ही अच्छी कंसीलिंग कर देता है आपके पूरे फेस को, मतलब बहुत ही अच्छा काम करता है ये। नेक्स्ट मेरे पास में है ये मून चाइल्ड SFR कलर हाईलाइटर, इनको बोलो धीरे कितना चिल्ला रहे बोलो ऐसे बोलो कितने धीरे बोलते बोलते दीदी थोड़ा धीरे बोलना, अक्षय पूरी आवाज आ रही तुम लोगों की, बंद कर। नेक्स्ट मेरे पास में है ये मून चाइल्ड हाईलाइटर ग्लो किट SFR की, एंड जैसे मैंने बताया था आपको कि थोड़ा सा टूट गया था, मेरे हाथ से गिर गया था, तो ये बहुत ही शिमर काइंड ऑफ है, एंड आप देखो इसका हाईलाइटर, इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी है। चलो इसका तो बाद में सबका रिव्यू वगैरह तो होते रहेगा, तो इसको मैं अच्छे से रख देती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास में है ये जो टूट गया है यार, ओके ये टूट गया है, और ये है MN नाउ का, NYN का है सॉरी, और ये है, एंड इसमें आपको 2 3 in 1 मिल जाएगा, मैं बाद में दिखा दूँगी, इतना सब अभी दिखा दूँगी तो मुझसे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं मेरे हाथ में एक हाथ में कैमरा भी है, आई मीन मेरा मोबाइल फ़ोन है, और ये सब कुछ एक साथ मुझसे नहीं हो पाता है, तो ये हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं इधर में, तो इधर में आपको ये मिलेगा वेट एंड वाइल्ड का ये छोटी सी डिब्बी, डिब्बी मतलब क्या है, शेडो जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है। उसके बाद में ये ADS का है, क्या ये ADS का नहीं है सॉरी, क्या ये शिमर पाउडर, ये बहुत पहले चलते थे तो ये मैंने लिया, ओके तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट मेरे पास में है ये अल्ट्रा SFR का आई शेडो, और ये वही आई शेडो है जो कि मैं दे नहीं पाई, जैसे कि मैंने बताया था कि जो मेरी फर्स्ट विनर थी
जो मेरी फर्स्ट विनर थी वो जो थी नेपाल से थी, और उसी के लिए ये आई शेडो पैलेट मैंने परचेज़ किया था। बट मैं उसको दे नहीं पाई क्योंकि वो नेपाल से थी और पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। नेपाल, इंडिया से नेपाल बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने उसके जो मैंने बताया था मैंने वीडियो शूट कर रखा है उसका भी, तो मैं उसकी भी स्टोरी आप लोगों को बता दूँगी। अगर वो अपलोड हो गया होगा वीडियो तो आप लोगों को पता होगा, अगर आपने देखा होगा तो ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास में है ये मिस रोज़ का 24 कलर आई शेडो, और ओके ये आपको ऐसे मैट भी है और शिमर भी है, बहुत ही लाइट मतलब न्यूड से कलर है इसमें, आप देख सकते हैं इस टाइप के कलर है इसमें। तो ओके तो फटाफट से, और ये मेरे पास में ऐसे वाले दो है, एक ये है और एक ये है, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको शो कर चुकी हूँ, तो ये मैं इसको रख देती हूँ जहाँ का वहाँ ना, ताकि इतनी सी जगह में मैं अच्छे से सब कुछ कर पाऊँ। बहुत ही छोटी सी पेटी है यार ये। ओके रह जा सीधा सा। नेक्स्ट मेरे पास में है ओके यहाँ भी बची है वो सिट। नेक्स्ट मेरे पास में है ये स्मोक इन आई शेडो पैलेट, और ये मैंने परचेज़ किया था, सबसे पहला वाला पैलेट है मेरे पास में स्मोक इन हॉट आई शेडो का, तो ये मेरा सबसे पहला पैलेट है। एंड देख सकते हैं आप ये थोड़ा सा ख़त्म भी हो चुका है, एंड मेरा फेवरेट है जो ब्राउन कलर है इसमें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये टूट गया था तो मैंने इस पर सेलो टेप लगा दिया है। उसके बाद में मैं बात कर रही हूँ SFR आर्टिस्ट आई शेडो पैलेट का, जिसका मेरे को पिगमेंटेशन पता नहीं मेरा वाला अच्छा नहीं है या बाकी सबका भी अच्छा नहीं है, पर ये बहुत ही चौकी काइंड ऑफ है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा चौकी है, मतलब इसका पिंक तो दिख भी नहीं रहा है, मतलब इतना चौकी है। ठीक है तो बस तो फिर नेक्स्ट है मेरे पास में मैट का, तो ये मैंने इसका ऐसा वाला मैंने एक और एक रखा था जो कि मैंने किया है गिव अवे में दिया है, एंड ये मेरा वाला है और गिव अवे में मैंने उनको दे दिया है, अब तक शायद रिसीव हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो मिल जाएगा, तो पता नहीं अब मैं ये वीडियो अपलोड कब करने वाली हूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो ये वाला एक आई शेडो पैलेट है। नेक्स्ट ओके और एक है, सो नेक्स्ट मेरे पास में है ये वाला आई शेडो पैलेट जो कि है द रॉक न्यूड्स एडियस आई शेडो पैलेट, एंड ये आपने ऑलरेडी मेरे वीडियो में देखा होगा। एक्चुअली पता है क्या, जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि तुम एक ही आई शेडो पैलेट यूज़ करती हो, गाइज आई हैव सो मेनी आई शेडो पैलेट्स, यू कैन सी, आप देख सकते हैं मेरे पास में इतने सारे हैं, बट कैसा होता है चीज़ें पसंद आ जाती है तो हम उसको वही चीज़ें बार बार यूज़ करते हैं, बट स्टिल मैं ट्राई करूँ, कोशिश करूँगी कि मैं कुछ अच्छा सा खरीदूँ। नेक्स्ट मेरे पास में है द जैकलिन हिल का ये पैलेट मॉफी का, तो आपने ऑलरेडी, मैं इसको थोड़ा साइड में दिखाती हूँ, तो आपने इसका ऑलरेडी रिव्यू देखा होगा मेरे चैनल पे, देखा ही भी होगा मेरे ख्याल से, अगर नहीं देखा है तो देख लेना गाइस। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैलेट है और इसका जो पिगमेंटेशन है ओ माय गॉड बहुत ही ज़्यादा ऑसम वाला पिगमेंटेशन है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ओके तो ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मेरे पास में दो मेबलिन के काजल रखे हुए हैं, एंड ये स्टेकवेयर की का जो मैंने लास्ट टाइम बढ़ास जो भी था ये वाला काजल रखा हुआ है। नेक्स्ट मेरे पास में ये जो है ये मेरा माइक है, एंड ये माइक मैं यूज़ नहीं करती हूँ जबकि मैंने यूज़ करना चाहिए, मेरे पास में ये माइक भी है बट मैं इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ, बट मैं करूँगी अब से, मैं सोच रही हूँ। जो कि रिंग लाइट है तो इसका भी मैंने रिव्यू किया था, जो इसका लाइटिंग आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत ही घटिया वाला लाइट है ये, तो बिल्कुल भी लेना मत इसको। ये भी है और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टेप रखा है कभी कुछ काम आ जाए तो, और ये इसमें कुछ रैंडम से प्रोडक्ट है, स्केल है, एंड ये मेरा हेयर बैंड है, तो इसको मैं सब कुछ ऐसे ही करके रख देती हूँ। वैसे मैं बात यहाँ पे बढ़ते हैं, इसको मैं रख दूँ क्या, इसको मैं ऐसे रख देती हूँ पहले, मुझे ना अच्छा नहीं लगता है अगर ये बराबर नहीं रहा तो मुझे इरिटेशन होने लग जाती है। ये कलर इसेंस का पैनकेक, एंड ये जो पैनकेक है ये बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है बट इसका एक्सपायरी अभी होने का ही है तो चल रहा है। उसके बाद में मेरे पास में है ये फाउंडेशन और जो कि है किस ब्यूटी का, इसका भी ऑलरेडी मैंने रिव्यू कर रखा है और मैं इसको यूज़ भी करती हूँ। उसके बाद में है ये बिवॉन फाउंडेशन, इसका भी आपने मुझे यूज़ करते हुए देखा होगा। नेक्स्ट मेरे पास में है ये स्टेकवेयर की का फाउंडेशन, इसको भी आपने यूज़ करते हुए देखा है जो कि मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मेरे पास में है NYB का ये फाउंडेशन जिसको मैं यूज़ इसीलिए नहीं कर रही हूँ, मैं बताती हूँ इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये ना
इसमें ना ये ऐसे कुछ डब्बे में है और जिसको मेरे को ओपन करना है और उसको ओपन करने में मेरा टाइम वेस्ट होता है, इसकी वजह से मैं इसको ऑन नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद में मेरे पास में एक और एक फाउंडेशन है जो कि है MN मी नाउ जनरेशन 2 का, और इसका मैंने रिव्यू नहीं किया है, मैंने अभी अभी ही ख़रीदा है इसको। ओके, तो मैं थोड़ा थक गई हूँ एंड ठीक है, मैं आगे बताती हूँ। उसके बाद में मेरे पास में है ये इनफेलिएबल मालियो का प्राइमर, और ये बहुत ही अच्छा वाला प्राइमर है गाइस, सच में। नेक्स्ट मेरे पास में है ये हुडा ब्यूटी का बेस प्राइमर विथ लॉन्ग स्टे फार्मूला। बिल्कुल भी इसका लॉन्ग स्टे फार्मूला नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बहुत ही ज़्यादा वाटरी काइंड ऑफ है उसका। नेक्स्ट मेरे पास में अगेन है प्राइमर जो कि है NY बे का, जो कि मैंने पर्पल से लिया था, एंड ये भी है, ओ माय गॉड। उसके बाद में मेरे पास में है ये NY बे की कंसीलर स्टिक, और इसको मैंने इसलिए इसमें रखा है ताकि मतलब सब कुछ अच्छे से रहे, जितना हो सके मैं रख रही हूँ। उसके बाद में मेरे पास में है ये NY बे का कॉन्टोरिंग कंसीलर फाउंडेशन कलर करेक्टर स्टिक, और इसको भी मैंने इसी में रखा है। नेक्स्ट मेरे पास में है ये द फैशन फैक्ट्री का हाइलाइटर जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा चंकी है और मुझे नहीं पसंद, तो इसलिए मैं इसको एज आई शेडो बेस वगैरह कुछ ऐसा अप्लाई कर लेती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास में है गुड वाइब्स का लेमन इसेंशियल ऑयल, तो इसको भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, लाइक नहीं जैसे, क्योंकि इसमें भी अगेन सेम वही प्रॉब्लम है जैसे वो फाउंडेशन में है कि ये इस टाइप की ऐसी बॉटल में है। देखो आप यू देख सकते हो, मैंने इसको कितना कुछ भी यूज़ नहीं किया है, मतलब किया है बट नहीं के बराबर, क्योंकि ये ऐसे वाले इसमें आता है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, यूज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसको ओपन करने में मेरा टाइम पूरा वेस्ट हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पंप वाली चीज़ें होती है ना, वो ज़्यादा अच्छे से होती है। नेक्स्ट मेरे पास में है गुड वाइब्स का आर्गन फेशियल ऑयल विथ गोल्डन लीव्स, इसका भी मैंने रिव्यू कर रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। उसके बाद में है ये मेरी ADS की पेन स्टिक कंसीलर, ये मेरे मेकअप का जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ये तब की है, और ये जो है मेरे मेकअप का सबसे पहला प्रोडक्ट बोल सकते हैं, तो ये है ओके। और अच्छी भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको 100-110 में मिल जाएंगी। नेक्स्ट मेरे पास में है गुड वाइब्स का ये लवेंडर स्मूथनिंग फेस मिस्ट, एंड इसको भी मैंने पर्पल से लिया था, और ये जो है ये ख़त्म हो चुका है, पर इसमें मैं कुछ अपना स्प्रे वगैरह भरने वाली हूँ, बनाने वाली हूँ, तो ये गुड वाइब्स का जास्मिन है, थोड़ा सा बचा हुआ है, अभी यहाँ रख देती हूँ। उसके बाद में मेरे पास में है विटामिन थेरेपी प्रोफेशनल BB क्रीम, और ये जो है हर्ब्स एंड मोकी है, एंड देख सकते हैं आप बिल्कुल पैक्ड है, बिल्कुल पैक्ड है, मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है इसको, और इसको मैं जहाँ की वहाँ रख देती हूँ। उसके बाद में ये मेरी सनस्क्रीन, और सनस्क्रीन तो आपको पता ही है कि मैं डेली यूज़ करती ही करती हूँ, अगेन ये हर्बल की है, और मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि मैं हर्ब्स के ही प्रोडक्ट यूज़ करूँ, तो मैं हर्बल प्रोडक्ट ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। ये स्पॉन्ज यहाँ वहाँ लुढ़क रहा है, अभी इसको जगह पे रखना पड़ेगा। उसके बाद में मेरे पास में है ये NYN का प्रोफेशनल कॉम्पैक्ट है ना ये, ओके हाँ कॉम्पैक्ट है, और ये इसमें 2-in-1 मिल रहा है आपको, मतलब बहुत दो कॉम्पैक्ट एक साथ है। नेक्स्ट मेरे पास में है पतंजलि जी का सौंदर्य एलोवेरा जेल, और ये तो होता ही है मोस्ट ऑफ पीपल्स के पास में, है ना। उसके बाद बची नीविया की क्रीम जो कि आप मेरे मोस्ट ऑफ वीडियोस में देख रखे होंगे, देखे ही होंगे। नेक्स्ट है गुड वाइब्स का ब्राइटनिंग फेस मास्क, और इसको मैंने आज ही अप्लाई किया है, और ऑलरेडी एक मेरे व्लॉग में भी शूट किया है, और ये मेरे पास में ये रहता है डामर की गोली में रखती हूँ ताकि थोड़ा सा खुशबू सी फील हो। नेक्स्ट है मेरे पास में ये मैक के ब्रशेस जो जिसको मुझे धोने हैं, मैं सोच रही हूँ कि इसका लोगों के साथ मैं कैसे वॉश करती हूँ उसका एक वीडियो शेयर करूँ। सो जिनको ये कहना था कि मैक के ब्रशेस नहीं है 30 रुपये के हैं, तो या बट ये ओरिजिनल तो नहीं है, मोस्ट ऑफ लोगों के पास में ऐसे ही वाले ब्रशेस हैं, और मेरे पास में भी ऐसे ही है। तो डियर जो भी जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया था, इसका ये देखो खड्डा वड्डा भी सब रखा है मेरे पास में, 1 साल होने को आ रहा है। मैक के ब्रशेस मैंने परचेस किए थे कुछ 200 रुपये में, इसका भी मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया है, मैडम जी जो भी है आप देख लेना ओके। उसके बाद में मेरे पास में एक डब्बा रखा है मैंने, और वो डब्बे में मैं रखती हूँ, खुल जा सिम सिम खुल जा,
माय गॉड, उसमें मैंने रखा है ये क्या कहते हैं आईलैश कलर और कुछ अपनी आईलैशेस, तो आप देख सकते हैं, तो एक ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है बट ठीक है, मेरा काम चल जाता है। कुछ आईलैशेस मेरी यहाँ पे पड़ी हुई है। ओके, तो ये खुल रही है, मैं इसको ख़राब नहीं करूँगी, उसको रख देती हूँ अच्छे से। आईलैश कलर भी उसमें डाल देती हूँ, मुझे बार बार सब काम करने को बहुत ज़्यादा ही होता है। नेक्स्ट मेरे पास में है एक और एक डब्बा, क्योंकि इससे पूरा मिस यूज होता है, मेरे पास में ज़्यादा स्टोर करने के लिए चीज़ें है नहीं, तो एक ही मेरे पास में मिला, तो उसमें मैंने ये दो शार्पनर भी रखे हैं, क्योंकि कभी मेरी जो अपनी लिपस्टिक होती है या फिर काजल कुछ मिस ना हो जाए इसलिए। तो इसमें मेरे जो है ये कुछ तीन है जिसको मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। यार मेरे पास में इतना सामान है, अभी मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि इतना सामान मैं यूज़ क्यों नहीं करती हूँ। जो ये है यानसे का मस्कारा, ये हुडा के लाइनर, ये कुछ लिपस्टिक्स, ये मैटने की है, ये हुडा की है, ये भी हुडा ब्यूटी की है, ये भी हुडा ब्यूटी की है, ये भी हुडा ब्यूटी की है, ये भी अगेन हुडा ब्यूटी की है, ये है NYB की। ओके, अभी लास्ट टाइम रिसेंटली मैंने इसको लिया है, ये भी NYB की है। ये है मी नाउ की जनरेशन 2 की लिपस्टिक, ये है रिथमिक्स की लिपस्टिक्स, सो कुछ है मेरे पास में 12-13 लिपस्टिक्स थी रिथमिक्स की, और दैट्स इट, इतना ही है मेरे पास में। मेरा मेकअप दिखा बेटा, सो मेरे पास में इतना ही मेकअप है, इतने ही जगह पे मैंने स्टोर किया है। एंड यस, मेरा जो पॉन्ड्स का पाउडर है वो बेचारा यहाँ रखा हुआ है, एंड इसमें मेरे कुछ इयर रिंग्स वगैरह है, बाकी सब इधर उधर रखा हुआ है। तो मेकअप के लिए तो इतना ही है, और इतना ही मैं यही स्टोर करती हूँ। तो मैं अभी अपना चेहरा, प्यारा वाला चेहरा दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को मिल जाए। सो गाइज, यही था मेरा मेकअप कलेक्शन, छोटा सा, और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो। जिन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था उनकी रिक्वेस्ट मैंने पूरी कर दी है। प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट मत करना, इतना ही सामान है मेरे पास में, और आई होप सच में मुझे ऐसा लगा कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।